एवरीवन, वेलकम टू रिची ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें आज तक जितना भी कुछ भी हो रहा है जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो मुंबई की जो भी ब्लॉग्स थे, जो भी वीडियोस थे, वो मैंने सारे अपने चैनल पे अपडेट कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ उसे जल्दी से जाके देखिएगा और लाइक करिएगा। वो सारे वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बर्थडे के हैं और मुंबई में हम लोग ने थोड़ा बहुत जो भी घूमा था वो सारे वीडियोस हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको लड्डू को भी दिखा देती हूँ। तो लड्डू उधर सो रहे हैं और मैं यहाँ पर ब्लॉग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो हुआ ऐसे, ये वीडियो जो है टॉपिक ये है कि जो कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी और प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी ये आप लोगों के साथ बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 2-3 हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। 12-13 मार्च को ऐसा हुआ कि इनकी तबीयत रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और मतलब ये ऑफिस में थे, नाइट ड्यूटी थी और मैं घर पर थी। तो मैं लड्डू को रात में 1 बजे उठी फीड करने के लिए, मैं उसे फीड कर रही थी। तब तक 1:15-1:20 के आसपास इनका कॉल आया कि मैं घर पे आ रहा हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि घर पे मतलब होगी कुछ प्रॉब्लम, मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि क्या हुआ। पहले तो फ़ोन रात में 1:30 बजे बजता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, ऊपर से हस्बैंड बाहर हों तो और ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो मैंने कहा क्या, इन्होंने बोला मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने फिर बोला अच्छा ठीक है, आओ आराम से आना। तो ये घर पे आए, फिर इन्होंने मतलब दवा ववा खाई दर्द की और लेटे थे, लेट ही नहीं पा रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा इनको दिक्कत हो रही थी। फिर मेरा मायका भी पास में ही है, जो वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरा मायका भी पास में है। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, इनसे मैंने बोला कि शुभम को बुलाती हूँ, भाई को फ़ोन करती हूँ, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा दिक्कत लग रही है मुझे। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते करते 2:30 बज गया, ये आ चुके। तो इन्होंने मुझसे बोला, तो मैंने कहा, फिर इन्होंने कहा अच्छा ठीक है शुभम को फ़ोन करो, मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। फिर रात के 3 बज, मतलब ये सब होते होते 3 बज गए ऑलमोस्ट, शुभम को फ़ोन किया। शुभम मतलब उसने वो भी डर गया कि रात के 3 बजे सब क्या हो गया कि फ़ोन आ रहा है। फिर वहाँ से शुभम ने तुरंत गाड़ी लेके वो आया यहाँ पे आया। फिर इनको लेके हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पे हम लोग लेके गए इनको, हॉस्पिटलाइज़ किया। हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद वहाँ पे इनके सारे चेकअप स्टार्ट हुए, सारा सब कुछ स्टार्ट हुआ वहाँ पे। उसके बाद इंजेक्शन्स वगैरह दिए तो दर्द तो कंट्रोल हो गया, मॉर्निंग तक इनको आराम हो गया। फिर उन्होंने बोला कि अब ठीक हूँ, अब घर चलना है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब हॉस्पिटलाइज़ हुए हो तो सारी चीज़ें जो भी हैं चेकअप्स रिपोर्ट्स वगैरह आने दो तब तक। तो डॉक्टर ने कहा हाँ शाम तक रिपोर्ट का वेट करेंगे। तो रिपोर्ट्स वगैरह सारी आई, उसमें इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन था जो 18 mm का था। तो डॉक्टर ने बोला कि स्टोन काफ़ी बड़ा है तो इसकी सर्जरी होगी और बहुत जल्दी सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उससे होगी। और जो स्टोन का पेन होता है ना पथरी का, वो बहुत गंदा होता है, मतलब वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते नॉर्मली हम लोग, मतलब कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि हाँ ये ऑफिस में कभी भी फिर से रीअकर हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको ऑपरेट करके करा लेते हैं। फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऑपरेट भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके स्वेलिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हम गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है, अगर उसको निकालने का एक ही ऑप्शन होता है, या पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाला जाता है, क्योंकि उसमें अगर हम सोचें कि लेज़र से ऑपरेशन करा के उसे तोड़ के जिससे निकालते हैं वो यूरिन के थ्रू, वो सब पॉसिबल नहीं होता, इसमें पूरा गॉल ब्लैडर निकलता है। फिर हम लोग ने एक तो सर्जन को और कंसल्ट किया, उन्होंने जो हम लोग ने फिर एक बहुत बेस्ट सर्जन है हमारे एरिया के, उन्हें कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि हाँ हम निकाल सकते हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आनी होती तो मैं पहले ही बता देता कि हाँ नहीं निकाल सकते, इस केस में निकाल सकते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने अपनी फैमिली में कंसल्ट किया, 1-2 लोग जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं उनसे कंसल्ट किया, सब ने बोला कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप निकलवाइए। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है अब निकाल सकते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एडमिट किया, वहाँ पे इनकी सर्जरी हुई, फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में रहे। जो सर्जरी वाली रात थी, बाप रे, मतलब मैंने इनको इससे ज़्यादा पेन में आज तक कभी नहीं देखा है।
एक्चुअली मतलब फोर पॉइंट पे ऐसे कट किया था, दो दो स्टिचेस थे स्टमक में, कई जगह ऐसे कट, मतलब वो सारी चीज़ें देख के मुझे तो खैर अच्छा नहीं, पूरी रात इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत परेशानी हुई। फिर मैं कुछ क्लिप्स यहाँ पे ऐड करूँगी जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग ने क्या क्या किन किन चीज़ों के थ्रू हम लोग गए हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, ऑपरेशन इनका अच्छे से हो गया और वापस ही अभी सही हो गए हैं धीरे धीरे। मेडिसिंस वगैरह भी चल रही हैं बट धीरे धीरे सही हो रहा है सब कुछ। और बस इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप लोगों के साथ ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं हर चीज़ें शेयर करती हूँ, जब मैं अपनी खुशी बांटती हूँ तो क्या दुख नहीं बांटना चाहिए, वो भी बांटना चाहिए, बांटने से कम होता है ना। तो बस यही सारी चीज़ें थी आप लोगों को बतानी थी और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, वीडियो में खूब सारा प्यार देके जाइएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। तो ये वीडियो 13 मार्च की रात का है जब हम लोग ने इन्हें हॉस्पिटलाइज किया था और उसके बाद सर्जरी के लिए डिसाइड कर लिया था कि एक दो दिन में इनकी सर्जरी करानी है। और ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन हम लोग ने इन्हें सर्जरी के लिए हॉस्पिटलाइज किया था और मैं मम्मी हॉस्पिटल में थे। हम लोग बहुत सैड थे कि सब कुछ अच्छे से बस हो जाए भगवान की कृपा से। और यहाँ पे ये भी बहुत परेशान थे क्योंकि सर्जरी का टाइम बस होने वाला था, थोड़ी देर में इन्हें सर्जरी के लिए जाना था। और यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो चुका था सर्जरी के लिए। हम लोग बस यही प्रे कर रहे थे कि भगवान सब कुछ अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे ये अभी सर्जरी के लिए अंदर जा चुके थे ओटी में और यहाँ पे मैं, मम्मी, शिवम का दोस्त, भैया, भाभी, हम लोग बस वेट कर रहे थे कि अच्छे से ये बाहर आ जाएं और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। और फाइनली यहाँ पे सर्जरी हो चुकी थी, मम्मी, पापा, लड्डू सब लोग आए थे। अभी रात के शायद 8:30 बज रहे थे, ऑक्सीजन भी इन्हें लगा हुआ था और ये बहुत ज़्यादा दर्द में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। रीज़न इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का यह था, कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि जब दुख बांट खुशी बांटते हैं तो क्या दुख नहीं शेयर करना चाहिए। यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है और सुबह का है वीडियो, आज के दिन इन्हें डिस्चार्ज होना था। तो अभी इन्हें तो ये थोड़ा ही रिलैक्स थे, थोड़ा दर्द भी कम हो गया था। और बस, तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ और आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट के साथ मैं आगे सारे वीडियोस पोस्ट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।